नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और हलचल इंडिया में फिलहाल वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में एक बार फिर से किसानों की राजधानी और टिकैत बंधु के गांव सिसोली में माहौल को गर्म करने की कोशिश की गई है। दरअसल रविवार की शाम केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालन के द्वारा सिसोली कुटबी मार्ग का शिलान्यास किया गया था, लेकिन शिलान्यास के 8 घंटे बाद ही रविवार की देर रात कुछ अज्ञात अराजक तत्वों द्वारा शिलापट को तोड़ दिया गया, जिससे भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं में रोष पनप गया। बहरहाल आपको बता दें कि सोमवार सवेरे जैसे ही भाजपा नेताओं को सिसोली में शिलापट तोड़ने की जानकारी मिली तो मौके पर पहुंचे बीजेपी नेताओं ने अज्ञात अराजक तत्व द्वारा तोड़े गए विकास कार्यों के शिलापट को लेकर भोराकला थाना अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र देकर इस तरह की घटना करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही किया जाने की मांग की है। वहीं अगर पुलिस अधिकारियों की माने तो शिकायत के अनुसार इस मामले में पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्यवाही शुरू कर दी है। कल माननीय मंत्री जी ने ग्राम सिसोली में उद्घाटन किया था, उस शिलापट को किसी अज्ञात लोगों ने तोड़ दिया है। इस संबंध में थाने में मुकदमा पंजीकृत हो गया है, उसका पता किया जा रहा है। जिसने भी तोड़ा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये विकास का कार्य है, इसमें सब तरह के लोग मिलते हैं जी। कोई विपक्ष जो है थोड़ा यहाँ व्यवहार गलत रहा उनका, तोड़ फोड़ के यहाँ पे जो कल बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था, ये विकास का कार्य है तो सभी के लिए है। सड़क कहाँ से कहाँ तक कैसे लगा है? ये यहाँ से चितुरली बाईपास से निकल के सीधा काकड़े तक का। इस तरह के लोगों पर क्या कार्रवाई आप चाहते हैं? सख्त से सख्त कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई।